कन्या महाविद्यालय में याद किए गए महात्मा गांधी, 150 साल पूरे होने पर मनाई गई जयंती। रीवा के एकमात्र कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। गांधी जी के विचार, सिद्धांतों और आज के दौर में प्रासंगिकता पर विचार विमर्श किया गया। गांधी जी के बारे में बोलते हुए कुछ वक्ताओं ने वह दौर याद किया जब गांधी जी कभी विंध्य के सतना स्टेशन से निकला करते थे। स्टेशन के बाहर प्लेटफॉर्म में बैठा करते थे, उनके साथ कौन कौन बैठता था, आइए सुनते हैं। जब महात्मा गांधी अक्सर जाया करते थे, मैं इलाहाबाद में पढ़ता था केपी कॉलेज में, तो जब जाना होता था तो हम लोग स्टेशन में आके उनका दर्शन किया करते। उनके साथ दो तीन बकरी रहती थी और टंकिया गांधी रहते थे, उसी में उनका रहने का इंतजाम करता था, उसी से करते। तो हम लोग उनका दर्शन वहीं इलाहाबाद में किया। एक है पंडित प्रभुनाथ शुक्ला, एक प्रताप सिंह, दो ही आदमी ऐसे थे जो गांधी जी के साथ वहाँ बैठा करते और मीटिंग जमीन में होती थी, ये कुर्सी टेबल में नहीं हुआ करती थी। जवाहरलाल भी बैठे हैं, कुंवर बाबू भी बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं बैठे और गांधी जी पुस्तक पाठ होता था, कहाँ क्या करना है। आपको एक बड़ी खुशखबरी सुनाना कि 91 वर्ष का उस लखनऊ ने कांग्रेस का बैठक की जबलपुर, तो गांधी जी के तरफ से सीतारमैया पट्टाभी, और स्वतंत्र सुभाष चंद्र बोस, ये वो की कांग्रेस महाराज गुलाब सिंह, इनके अंग्रेज हाथियों पर जब यहाँ उन्होंने भेजे गए, सुबह हमारे रीवा के 4 हाथी भेजे गए थे महाराज गुलाब सिंह ने भेजे थे। तो वहाँ पर बैठक हुई तो पहले सुहास बाबू को 104 डिग्री में बुखार हो गया, तो अब किया जाए तो किया क्या जाए, तो साहब हाथी में उनकी बड़ी भारी तस्वीर लगाए गए और 10 किलोमीटर घुमाया गया और कुंवर बाबू चुनाव में जीत गए और वो अध्यक्ष भी हुए कांग्रेस के, परंतु उनके नीतियों से, उनके जो नीति थी बड़ी देश को आज़ादी दिलाने में सबसे ज्यादा आगे थे। पंडित गांधी जी ये कहते थे कि हिंसा से नहीं होगा और वो कहते थे नहीं हिंसा से होगा। तो 6 महीना बाद सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया। आज आपने महात्मा गांधी को एक हिंदुस्तानी ने मारा और कैसे मारा, क्यों मारा, कि वो एक विचारधारा उसका अलग था और उस विचारधारा के खिलाफ महात्मा गांधी जी को मारा, जिसका नाम गोडसे है। गोडसे आज मैंने हिंदुस्तान में आज उसकी स्टेचू लगाई जा रही है, क्योंकि नहीं आए हमारे पास रेल नहीं थे उस जमाने में, तो महात्मा गांधी भर हमारे रीवा में कभी नहीं। पर सतना एक ऐसा जिला है आपका जिसमें महात्मा
गांधी जी पत्नी खूब दफा आए और गए, और कहा गया थे दिल्ली से बम्बई। जब उनको मीटिंग करना होता था तो बम्बई में हुआ करती, कलकत्ता में हुआ करती, तो रास्ता ये भी था डायरेक्ट था, तो वो अक्सर इसी कटना से मैं आकर करीब जब 15 मिनट का गांधी जी रुके, और उनका डब्बा भी एक अलग चीज उनका होता, उसी में महात्मा गांधी हमेशा चला करते थे, दो बकरी और फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी उनके पास गया, और हमेशा जब गांधी जी सत्ता पहुंचते थे तो हमेशा प्लेटफार्म में आके खड़े हो जाते थे, सभी लोग उनको नमस्कार करते थे, पैर छूते थे, और तो सतना एक बड़ा भाग्यशाली जिला था जहाँ महात्मा गांधी पढ़ाए, और महात्मा गांधी पर नहीं पढ़ाए, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, छोटी छोटी चीज को सब इकट्ठा अक्सर जाया आया करती हूँ, अब्दुल कलाम आजाद, राजगोपालाचारी, ये सभी लोग मीटिंग में जाया करते।